हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मिता इज़ गुड लाइफ। और मैं हूँ स्मिता। तो ये लास्ट सैटरडे का व्लॉग है। ये शूट मैंने पहले ही किया था, बट फिर उसके बाद सोमवार वाला मैंने जो नो अनियन नो गार्लिक वाला जो रेसिपीज़ शेयर किया है वो वीडियो डाल दिया। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं बाद में डालूंगी, तो ये मैं डाल रही हूँ। तो ये सैटरडे के सुबह का व्लॉग है। उस दिन छुट्टी का दिन था और जीशु के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो मैंने उसके लिए बनाया था पिज्ज़ा सैंडविच। तो इसका फुल रेसिपी जो मैंने अपने पिछले वीडियो में दिया है एक पिज्ज़ा सैंडविच का, अगर आप चाहें तो ये वो देख सकते हैं इसका फुल रेसिपी। मैंने जो हम लोग जो पिज़्ज़ा टॉपिंग्स का जो बनाते हैं ना सारा चीज़, उसी का मैंने स्टफिंग इसमें बना लिया और उसे दो ब्रेड के बीच में डाल के और इस तरह से उसे सैंडविच बना के दे देती हूँ और वो खुशी खुशी खा लेता है क्योंकि उसे बहुत पसंद है। और हाँ, और बच्चों का जब एग्ज़ाम्स चलता है ना तो थोड़ा सा तो पैम्पर करना बनता ही है, और वो लोग नखरा भी करते हैं थोड़ा बहुत खाने पीने में ना, तो अगर उनके पसंद का लंच दे दो, ब्रेकफास्ट दे दो, डिनर दे दो, तो वो अच्छे से खा लेते हैं और फिर पढ़ाई में भी उनका मन लगता है। तो बस ये वही था सैटरडे, मैंने उसके लिए सैंडविच बना लिया और उसे दे दिया सैंडविच और वो खुशी खुशी खा लिया। और इसके बाद मैं आज आपके लिए बहुत ही अच्छा सा एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, बहुत बढ़िया सा रेसिपी है। तो बस चूंकि अभी सावन चल रहा है तो पहले नहाऊंगी, पूजा करूंगी, उसके बाद करूंगी शेयर। तो ये नहाने जाने से पहले मैंने ना चावल बना लिया था बिरयानी का, और चावल जनरली मैं गोविंद भोग राइस बनाती हूँ, बासमती लंबे दाने वाला राइस नहीं बनाती हूँ मैं, गोविंद भोग छोटा ही दाना है, बट मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इस बॉस की खुशबू बहुत अच्छी आती है और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है। तो बस मैंने 70% कुक करके इसे रख लिया था और फिर मैं चली गई नहाने, और नहाने के बाद मैं कर रही हूँ पूजा। जैसा कि मैं हमेशा अभी जो भी व्लॉग आ रहे हैं मैं उसमें बता रही हूँ कि सावन के महीने में मैं पूरे महीने पूजा करती हूँ और डेली शिव जी को बेलपत्र चढ़ाती हूँ। तो बस वही कर रही थी, पूजा कर नहा लिया, पूजा करूँगी और पूजा के बाद फिर मैं आपसे शेयर करूँगी एक स्पेशल रेसिपी जो मैंने आपको, ये मैंने पूछा क्या हो जा रहा है, मैं क्या बोल रही हूँ, एनीवेज एक अच्छा सा रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि मैंने बता दिया है वेज बिरयानी। तो वीडियो पूरा देखिएगा, बीच में रोकिएगा नहीं, बहुत ही यम बना था, सच्ची बता रही हूँ, सिर्फ नॉट जस्ट फॉर सेइंग फॉर द सेक ऑफ वीडियो, आई एम सेइंग इट वेरी ऑनेस्टली, ट्रस्ट मी, बहुत ही बढ़िया बना था बिरयानी, वेज बिरयानी। क्योंकि अभी तो हमें कुछ भी नॉन वेज वगैरह पूरे सावन खाते नहीं है, तो बस वेज में जो भी अच्छा बना सकें वो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपसे। तो बस बने रहिए और देखिए हमारा अगला रेसिपी। वेलकम बैक टू माई चैनल स्मिताज गुड लाइफ, और मैं हूँ स्मिता। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं वीकेंड स्पेशल एक ब्लॉग बना रही हूँ, आज है सैटरडे, और सैटरडे को बहुत दिनों से मैंने ये लाइफस्टाइल ब्लॉग नहीं बनाया था, हॉल वीडियोज़ या होम डेकोर के वीडियोज आ रहे थे जब से मैं कश्मीर से लौट कर आई थी। तो आज सोचा एक अच्छा सा फुल सैटरडे का वीकेंड ब्लॉग आपको दूँ कि मैं क्या करती हूँ। तो बस अब जी देखा, सारा सुबह में जो किया सारा सा काम निपटा लिया था जल्दी जल्दी फटाफटा, और क्योंकि अगर एक एक चीज शूट करने लगूं तब तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आपने देखा मैं सुबह उठी, फिर अपना योगा किया और घर वर जो थोड़ा सा ठीक करना होता है थोड़ा बहुत वो सब मैंने ठीक किया, फिर हाउस हेल्प आ गई तो उन्होंने फिर मॉपिंग वॉपिंग झाड़ू वारू किया, किचन क्लीन किया, उसके बाद मैंने जीशु को नाश्ता भी बना के दे दिया, ब्रेकफास्ट उसने कर लिया। अब मैं बना रही हूँ आज का लंच का मेन्यू है वेज बिरयानी, क्योंकि सावन चल रहा है और सावन में तो मोस्ट ऑफ देम मतलब मोस्टली लोग नहीं खाते हैं नॉन वेज, तो हमारे यहाँ भी कोई नॉन वेज नहीं खाते हैं सावन में। तो बस मम्मी अभी बनाने जा रही हूँ वेज बिरयानी। तो उसके लिए मैंने आपको दिखलाया नहाने जाने से पहले मैंने चावल को बॉईल करके रख लिया था, चावल को 70% ही कुक करना है तो वो कुक करके मैंने रख लिया था, और ये मेरा सारा वेजिटेबल्स चॉप किया हुआ है जो कि मैं डालूंगी, ये आलू है, कैरेट है, कॉलीफ्लावर गोभी है, प्याज है, हरी मिर्च है, धनिया पत्ता है, मटर है, एंड वी ऑल्सो हैव कैप्सिकम।
तो इसमें क्या है ना कि वेजिटेबल बिरयानी है, तो आप जो वेजीज आपको देने का मन हो आप दे सकते हैं। सॉरी फॉर द नॉइज, एक्चुअली जो मेरा घर है ना, बस उसके एकदम सामने ही रोड है जहाँ से बहुत सारे व्हीकल्स पास करते हैं, तो वो हॉर्न वॉर्न का आवाज आते ही रहेगा, उसे मैंने ठीक कर सकती हूँ। तो बस यही है, तो चलिए शुरू करते हैं। वेजिटेबल चॉपिंग हो गया है, राइस इज रेडी, तो अब हम वेजिटेबल फ्राई करके और बस उसका लेयरिंग करेंगे, दम लगाएंगे बिरयानी का। तो चलिए दिखाते हैं कि मैं कैसे बनाती हूँ आपको वेज बिरयानी, मेरी स्टाइल का वेज बिरयानी, और यकीन मानिए बहुत ही अच्छा बनता है, एक बार फॉलो कीजिएगा। ये मैं यहाँ पे वन पॉट बिरयानी ही बना रही हूँ, तो बस इसी में मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी, और ऑयल और घी दोनों मिलाकर ही मैं बनाती हूँ। तो घी भी थोड़ा सा डाल दिया, थोड़ा सा वाइट ऑयल डाला, और फिर इसमें मैं अनियंस को फ्राई करूँगी। तो अनियंस को, जैसे कि इसमें बरिस्ता नहीं मैं बनाती हूँ अलग से, इसी को अच्छे से ब्राउन होने तक इसे भूनूंगी, फ्राई करूंगी। और जब ये अच्छे से भुन जाएगा, देखिए ये धीरे धीरे ब्राउन हो रहा है अभी, तो थोड़ा सा ये, तभी तो जाके इसका जो ऑयल है वो ज़्यादा रिलीज हो रहा है। उस वक्त हम इसमें डाल देंगे ग्रीन चिलीज, अनियंस, जो भी हमने वेजिटेबल्स चॉप करके रखे थे वो सारे वेजिटेबल्स को इसमें डाल देंगे और इसे फ्राई करेंगे अच्छे से। और जब वेजिटेबल्स भी थोड़ा सा कुक हो जाएगा ना, जब हल्का सा कुक हो जाएगा, तब हम इसमें डालेंगे सारे मसाले। सबसे पहले तो नमक डालेंगे, क्योंकि नमक डालने से कुकिंग प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट होता है और सब्जियां अच्छे से कुक होंगी। तो सबसे पहले मैंने इसमें नमक डाला, और नमक डालने के बाद थोड़ी देर इसमें फ्राई करूंगी। तब जब थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, तब हम इसमें सारे मसाले डालेंगे, और उसमें डालूंगी मैं बिरयानी मसाला, जो भी बेसिक मसाला होता है, हल्दी पाउडर, गोल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और ज़ीरा पाउडर, और फिर मैं डालूंगी अलग से बिरयानी मसाला। तो मैं बिरयानी मसाला डालती हूँ, SDS के बिरयानी मसाला है, जो दिल्ली के लोग हैं वो समझ जाएंगे, क्योंकि मैं जब दिल्ली जाती हूँ तब वहीं से ये मसाला मैं लेकर आती हूँ, SDS का बिरयानी मसाला, और वही मैंने इसमें डाला है सारे मसालों के साथ। और फिर एंड में इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा दही, और उसके बाद इसे अच्छे से कुक कर लेना है। ये भी हमारा सब्जी भी एटलीस्ट हमारा 70% कुक हो जाना चाहिए, क्योंकि जब हम लेयरिंग करेंगे और दम पे बनाएंगे बिरयानी, तो बाकी का जो 30% है वो अपने आप कुक हो जाएगा। तो बस ये देखिए, ऑलमोस्ट ये हो गया है, थोड़ा देर इसे ढक के कुक होने के लिए छोड़ेंगे, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बाकी की चीज़ें। तो भाई बाय दैट टाइम हम चलिए बना लेते हैं, इसके साथ मैं एक स्पेशल चटनी बनाती हूँ और बहुत ही मज़ेदार बनता है वो। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने लिया हरा धनिया, उसके बाद थोड़ी सी ग्रीन चिलीज, तीखा हम लोग ज़्यादा खाते हैं तो इसलिए मैंने मिर्ची थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, और उसके साथ फिर मैं डालूंगी एक टमाटर, क्योंकि टोमेटो डालने से भी ना टेस्ट भी अच्छा आता है और थोड़ा सा थिकनेस भी आ जाता है चटनी में। तो ये मैंने डाल दिया, और अब इसके साथ मैं डालूंगी थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डालूंगी, और फिर इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा शुगर, हल्का सा शुगर भी मैं डालती हूँ, और ये है थोड़ी सी अजवाइन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तीखा है ना, क्योंकि मैं हरी मिर्च मैंने बहुत ज़्यादा डाला है, तो अजवाइन डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। तो थोड़ा सा अजवाइन डाला, फिर थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, और अब डाला थोड़ा सा शुगर हल्का सा, और फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और इसे अच्छे से पीस लूँगी, एकदम अच्छी सी कंसिस्टेंसी बन जाएगी। तो ये हमारा चटनी भी रेडी हो गया, और मुझे ये चटनी बिरयानी में बहुत पसंद है, चाहे वो वेज बिरयानी हो या हो नॉन वेज हो, चिकन बिरयानी हो। तो बस ये देखिए, मैंने बोला था थोड़ी देर के लिए इसे ढक के कुक होने के लिए रख देंगे, तो ये हमारा 70% ऑलमोस्ट कुक हो गया है वेजिटेबल्स, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि पूछिए मत। तो इसमें से हम क्या करेंगे कि हाफ वेजिटेबल निकाल लेंगे दूसरी प्लेट में किसी भी चीज़ में, और फिर हम इसमें लेयरिंग करेंगे अब वेजिटेबल्स और राइस का। तो ये देखिए, मैंने अलग से निकाल लिया एक प्लेट में, और जो बाकी वेजिटेबल्स बची हैं उसे अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी इस तरह से, और फिर जो हमने चावल कुक किया है उसे डाल देना है हाफ हाफ, तो इसके ऊपर से हाफ ये चावल मैं अब डालूंगी। और ये देखिए, एक लेयर हमारा रेडी हो गया वेजिटेबल्स और उसके ऊपर से चावल, और फिर इसके ऊपर से मैं डालूंगी केसर और दूध, धनिया पत्ता तो डालना ही है, और धनिया पत्ता और पुदीने का पत्ता थोड़ा सा डाल देंगे तो वो तो खैर बिरयानी में मस्त ही है। और ये मैंने के दूध में केसर भिगो के रखा था, तो हाफ केसर वाला दूध मैं इसमें डाल दूंगी, और थोड़ा सा मैं डालूंगी केवड़ा
वाटर, केवरा वाटर के साथ मैं एक और चीज डालती हूँ, मीठा इतर। बट अभी मेरे पास मीठा इतर खत्म था तो नहीं डाली थी, बट यकीन मानिए टेस्ट में कोई भी कमी नहीं आया था। तो बस ये तीन चीज ही डालना है, पुदीना धनिया, केसर वाला दूध और केवरा वाटर, और जो भी बाकी बची सब्जियां हैं ना उसके ऊपर से फिर एक लेयर मैं डाल दूंगी इस पे और उसे स्प्रेड कर दूंगी। और फिर उसके ऊपर जो हाफ अलग से राइस जब बचा है बस उस राइस को इसके ऊपर डाल देना है और हमें बस वही सेम प्रोसेस रिपीट कर लेना है। तो देखिए राइस हमारा जो बाकी हाफ बचा था राइस हमने डाल दिया, ऊपर से धनिया पुदीना डाल दिया, जो बचा हुआ केसर और दूध है फिर वो डाल दूंगी और थोड़ा सा केवड़ा वाटर डाल दूंगी। और बस इसे ढक के कम 15 मिनट तक एकदम लो फ्लेम पे, आप 15 मिनट तक इसे ढक के छोड़ दीजिए पकने के लिए और दम लगा दीजिए 15 मिनट तक। और यकीन मानिए ना इसके खुशबू से तो सारा घर फैल गया था और सच में बहुत यम बना था। मतलब अभी तो मैं सिर्फ आपको बता ही सकती हूँ, टेस्ट तो नहीं करा सकती हूँ, आप एक बार बना के देखिएगा तब पता चलेगा कितना टेस्टी बनता है। और इधर हमारी ये चटनी रेडी है, बस एंड में मैंने इसमें थोड़ा सा नींबू डाल दिया और ये टेस्ट इस चटनी के साथ तो इतना मज़ा आता है ना कि क्या बोलूँ। थोड़ी सी चीनी रहती है, काला नमक रहता है, जीरा पाउडर रहता है, अजवाइन रहता है, बहुत ही बढ़िया टेस्टी सा हमारा चटनी बनता है। तो चलिए उसके साथ बिरयानी हो और रायता ना बने वो तो हो ही नहीं सकता है। तो बस मैंने थोड़ी सी दही ले ली थी और ये मैं खीरा ग्रेट कर रही हूँ। तो बस खीरा और दही का रायता भी हमने बना लिया था, चटनी भी हमारी रेडी हो गई थी और उधर हमने अपना बिरयानी भी दम लगाने के लिए रख दिया था। तो बस और क्या चाहिए, यही था हमारा सैटरडे का मेन्यू, लंच मेन्यू, वेज बिरयानी, चटनी एंड ये हमारा कुकुम्बर एंड दही का रायता। तो बस बाय द टाइम हमारा बिरयानी दम लग रहा है और अब हम देखते हैं कि हमारा बिरयानी रेडी होके कैसा बना है। अच्छा, तो मैंने इसे फ्रिज में भी रख दिया था बाद में। और ठंडा रायता हो ना तो वो खाने का मज़ा ही अलग होता है। तो मैंने बनाया चटनी और रायता और उसे बस फ्रिज में रख दिया और अब मैंने गैस को किया है बंद, ये अच्छे से दम लग चुका है और अब देखिए हमारा बिरयानी कैसा बना है। और जब मैं इसे चला रही थी ना यकीन मानिए इतना अच्छा खुशबू आ रहा था ना, इतना अच्छा कि क्या बताऊँ मैं। कोई भी चावल एक दूसरे से चिपका नहीं था, ये छोटे छोटे दाने हैं इसलिए उतना अच्छा से इसमें नहीं, आपको पता नहीं दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बट बहुत ही बढ़िया बना था। सारे चावल अलग अलग थे और सारे फ्लेवर्स आए हुए थे एक दूसरे के अंदर। तो चलिए करते हैं हम आज की प्लेटिंग, हमारा लंच थाली। ये देखिए ये रहा हमारा यमी सा वेज बिरयानी, उसके साथ ये है हमारी हरी चटनी जो हमने बनाया था और ये है खीरा का रायता, दही और खीरा का रायता, और ये रहा सैलेड। बस और क्या चाहिए, बहुत ही यम बना था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम जब नॉनवेज नहीं खाते हैं तो ये सारी चीज़ बनाते हैं, जो जो नॉनवेज लवर हैं उनके लिए बोल रही हूँ। तो ये वेज बिरयानी भी बिल्कुल आपको कम नहीं लगेगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा, एक बार आप ट्राई करके देखिएगा, ज़रूर बहुत ही बढ़िया बना था। तो चलिए ऐसे ही मैं आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आगे लाते रहूँगी। जो भी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।